जय हिंद साथियों, मैं ली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं अंकित त्रिपाठी सर का जो यूपी पुलिस के लिए मैथ आया हुआ है उसका चैप्टर कर रहे हैं चाल समय और दूरी, जिसके हमने अभी तक जो हैं 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं 42 से आगे के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बच्चे देख लीजिए, आज का जो पहला सवाल है जो हमारा 43 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल यहां से क्या है कि दो नाव एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दो नावें हैं एक दूसरे की तरफ, ये इधर चल रही है तो ये किधर चल रही है, इधर चल रही है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी स्पीड जो है आप कहेंगे 54 मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टकराने से एक सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितने मीटर होगी, मतलब क्या है कि एक सेकंड में उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। बच्चे एक सेकंड में चली गई दूरी, क्योंकि एक सेकंड बाद टकरा जाएंगी तो एक सेकंड में वो कितनी दूरी चल लेती वो दूरी बतानी, क्योंकि एक सेकंड मान लीजिए इतनी दूर थे वो, तो ये दूरी बतानी क्योंकि एक सेकंड में वो टकरा जाएंगी। तो ऐसे में क्या करेंगे आप जो है चाल निकाल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मेरे भाई मेरे शेयर एक बात याद रखनी आप लोगों को, क्या है जब भी विपरीत दिशाओं में कोई चीजें चलती हैं या कोई दो गतिमान मतलब वस्तुएं चलती हैं, तो जब वो विपरीत दिशा से आती हैं दो रेलें हों दो कारें हों दो नावें हों तो उनकी दूरी सॉरी उनकी चाल क्या होती है जुड़ जाती है, क्या होती है जुड़ जाती है। तो जुड़ के चाल कितनी हो गई आप कहेंगे 4 से दे दिया 60 30 90 हो गया, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई इसको एक सेकंड मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए तो आप कहेंगे 5/18 से गुणा कर दिया, 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25, 5 × 5 कितना 25, ये कितना आ चुका है 25 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड। पता चला कि एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करती हैं वो दोनों, आप कहेंगे 25 मीटर की दूरी तय करती हैं, तो एक सेकंड में वो कितनी दूरी और तय कर लेंगी 25। तो मेरे भाई वो उनके बीच की दूरी कितनी है 25 मीटर, क्योंकि वो इस 25 मीटर को दोनों एक सेकंड में तय कर लेंगी। तो एक सेकंड में कितनी दूरी बचेगी उनके बीच में, आप कहेंगे भैया 25 मीटर की दूरी बच जाएगी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के, जो सवाल नंबर हमारा 44 का सवाल है। शांत जल में एक नाव की गति 6 किमी प्रति घंटा है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या है एक साइड क्या है विपरीत जाना, एक साइड क्या है देख लीजिए, ये जब मैं निशान लगा रहा हूं मेरे निशान देखना, ये क्या एक ही दिशा में जाना और ये क्या है मेरे भाई ये विपरीत दिशा में जाना, ये निशान आप लोगों को देख लेने हैं। 4 गुना अधिक समय लगता है, मतलब कितना समय लगता है आप कहेंगे भैया 4 गुना समय लगता है, कितना 4 गुना समय। तो जब हम लोग 4 गुना समय लगाएंगे, ठीक है, यहां से मैं अगर इसके समय की बात कर लूं किसके समय की बात कर लूं तो 4 गुना अधिक लगता है, कब लगता है जब विपरीत दिशा में जाते हैं, जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो यहां 4 गुना अधिक लगेगा। मान लीजिए यहां 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो यहां कितना लगेगा आप कहेंगे 4 घंटा समय। तो समय किसका उल्टा होता है जब दूरी बराबर हो, आप कहेंगे चाल का उल्टा होता है, चाल अगर यहां पर 4 होगी तो यहां पर कितनी होगी आप कहेंगे 1 होगी, यहां पर कितनी होगी आप कहेंगे 1 होगी। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहां से क्या है यदि धारा की गति क्या होगी, तो धारा की पूछिए मेरे भाई ये क्या है, तो आप कहेंगे इसको बी बोट और इसको क्या बाटर, बोट बाटर, और इसको भी आप लोग क्या कहेंगे बोट और इसको क्या कहेंगे आप लोग बाटर, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए यहां से क्या है आप कहेंगे भैया यहां से आप लोग देखेंगे क्या, आप कहेंगे बी प्लस डब्ल्यू है इसको, ठीक है, ये कितना और बटे में क्या आप कहेंगे ये वाला रख दीजिए क्या बी माइनस डब्ल्यू, और यहां से इन दोनों का अनुपात कितना आया आप कहेंगे भैया 4/1, अनुपात को हम बटे में भी लिख लेते हैं। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इन लोगों का तिरछा गुणा लगाना, यहां से लगाएंगे तो ये लगाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा बी माइनस सॉरी प्लस डब्ल्यू बचेगा, और जब हम इसको यहां से करेंगे तो आप कहेंगे 4b - 4w बचेगा, कितना 4w बचेगा। अब यहां से क्या कहना फिर हम लोगों को, जब हम लोग यहां देखेंगे, ठीक, तो अब ये b का मान कितना है आप कहेंगे भैया 6 है, अब b का मान 6 लगा दीजिए या यहां से अभी और देख लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, b का मान या तो 6 लगा लीजिए या देख लीजिए, ये 4 है ये b इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 5w,
बराबर कितना हो जाएगा, ये बी इधर जाएगा घट जाएगा, तो तीन बी और बी का मान कितना 6, तो 6 3 18, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 5 डब्लू बराबर 18, कितना 18, और डब्लू का मान यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया डब्लू का मान 5 से काट दो, 5 3 15, बचा कितना यहां से 3, पॉइंट लगाया हुआ 30, 5 6 30, तो कितना आ चुका है, आप कहेंगे 3.6 आ चुका है, कितना आ चुका है 3.6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है 3.6, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किमी और धारा के विपरीत दिशा में 8 किमी जा सकती है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। देख लीजिए क्या है यहां से, अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती, दूरी बटे चाल, तो धारा की दिशा में 20 किमी जा रही है, धारा की दिशा में कितनी जा रही है 20, तो इसको क्या करेंगे आप कहेंगे बी प्लस डब्लू, क्योंकि धारा की दिशा में ये आ चुका आपका समय, प्लस दूसरा समय जब हम निकालेंगे 30 किलोमीटर जा रही है विपरीत, 30 जा रही है कितना विपरीत जा रही है, तो बी माइनस डब्लू जा रही है, ठीक है, और यहां से जो टोटल समय ले रही है कितना ले रही है, आप कहेंगे 2 घंटा 20 मिनट। अब देखो 2 घंटे तो कंप्लीट है, 20 मिनट को जब हम घंटा बनाएंगे तो 20/60 करेंगे, कितना आ चुका है 1/3, कितना 1/3 इंटू 2 भी है, 2 3 6 1 7/3, यहां से कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया यहां से तो हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा। अगली कंडीशन में देखेंगे, साथ ही 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किमी, धारा की दिशा में कितनी जा रही है 10 किमी, किससे आप कहेंगे बी प्लस डब्ल्यू से जा रही है 10 किमी यहां से, और प्लस दूसरा समय जो निकालेंगे धारा के विपरीत कितना जा रही है 8 किमी जा रही है, कितना 8 किमी जा रही है धारा के विपरीत, तो बी माइनस डब्ल्यू यहां से निकाल देंगे, और बराबर टोटल समय कितना ले रही है 49 मिनट, तो 49 मिनट को जब हम क्या बनाएंगे घंटे बनाएंगे, तो कट रहा किसी से नहीं कट रहा, यही रहने दीजिए, क्या होगा फिर आप कहेंगे भैया 49/60 होगा, क्योंकि घंटे हम लोगों को बना देने हैं। अब किसी भी एक को बराबर कर लीजिए, इनमें से किसी भी एक को बराबर कर लीजिए, तो आप कह रहे हैं भैया मैं तो इसको बराबर कर सकता हूं, क्या धारा की दिशा में नाव की चाल, अच्छा धारा की दिशा में, तो B प्लस डब्ल्यू का मान पूछना है, ठीक है, तो B माइनस डब्ल्यू को बराबर कर लीजिए, इसको बराबर करोगे आप तो क्या करोगे 120 कर लीजिए, इसको क्या कर दीजिए 4 से गुणा, ये 120 हो जाएगा, इसको भी 4 से गुणा करेंगे और फिर इसको भी हम लोग 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसे 120 बनाना है, इसको 15 से कर दीजिए 15 8 120, इसको 15 से कर दीजिए आप, और इसको भी 15 से आप लोगों को कर देना है, तो देख लीजिए ये पोर्शन आपका बराबर हो जाएगा घटाने पर जब हम कहेंगे, ठीक है, ये पोर्शन आपस में कट जाएगा, और जब इसमें से घटाएंगे ये कितना हो गया 20 चौक 80 हो गया, ठीक है 80, और ये कितना हो गया 15 2 150, कितना हो चुका है 150 हो चुका है, तो यहां से घटाएंगे ये कितना बचेगा माइनस का 70, कितना माइनस का 70, और कौन है बटे में आप कहेंगे B प्लस W है, कौन है बटे में B प्लस W बराबर, यहां से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28/3, ठीक है, इसमें से घटाना आप लोगों को कितना आप कहेंगे 49/4 घटा देना 49/4, इनका एलसीएम कितना आ चुका है 12, 3 चौक 12 और 28 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 8 32 के का तो हासिल लगे 3 4 2 8 3 11 112 हो जाएगा, और माइनस जब आप इसको करेंगे तो 3 से इसको 9 9 3 27 के का साथ हासिल लगे 2 3 चौक 12 2 14 ये हो जाएगा, जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आप कहेंगे 7 में से 2 गया आपका तो 5 बचा, और 14 में से 11 गए आपके तो कितना 3 बचा, कितना 3, और बटे में कितना 12, और ये किसका माइनस का, तो माइनस से आपका ये माइनस कट चुका है, ठीक है, अब आप इसको काटोगे 35 से इसको काटोगे 35 2 70, ठीक ये 12 इधर जाएगा क्या कर लेगा 35 2 70, ये 2 है तो 12 2 24, तो आप कहेंगे B प्लस W का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे B प्लस W का मान कितना हो जाएगा 12 2 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि धारा की दिशा में मतलब B प्लस W का मान, तो आप कहेंगे भैया यहां से इस सवाल का आंसर हमारे का क्या आ चुका है 24 आ चुका है, क्या आ चुका है इस सवाल का आंसर, आप कहेंगे भैया 24 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है जो आपके सामने है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, सवाल जो है थोड़ा बड़ा था और इसी तरीके से सवाल हो पाएगा, सवाल है कि एक नाव 30 किमी प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करती है और 60 किमी की गति से वापस आ जाती है संपूर्ण यात्रा में औसत गति, जब भी ऐसा हो दूरी समान दे रखी हो और दोनों चालें दे रखी हो तब कुछ नहीं करना, आप कहेंगे 2ab अपॉन a प्लस b, क्या याद रखेंगे आप 2ab अपॉन a प्लस b, और जहां आपका a क्या होगा पहली वाली चाल और b क्या होगा दूसरी वाली चाल,
तो 2 की जगह 2 इनटू पहली चाल कितनी है, आप कहेंगे भैया 30 है, इनटू दूसरी चाल कितनी है, आप कहेंगे भैया 60 है, और दोनों का योग कितना, आप कहेंगे भैया 90 है। 30 से काटा, 30 थी 90 है, और इससे इसको काटा कितनी बार, 3 धुनी 6 20 बार, और 20 धुनी कितना, आप कहेंगे भैया 40। तो यहां से कितना आ चुका है, जो औसतन चाल आ चुकी है 40 आ चुकी है, कितनी 40 आ चुकी है, और 40 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। जब भी आपकी दूरी बराबर हो और दोनों चालें दे रखी हो तब आप लोग याद रखेंगे 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहां से, कि एक नाव एक घंटे में 4 किमी धारा के प्रतिकूल, जैसा अभी कराया वैसे ही सवाल ऐसा आया, तथा 4 किमी धारा के अनुकूल जाती है और 55 मिनट में 5 किमी धारा के अनुकूल तथा 3 किमी धारा के प्रतिकूल जाती है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति, मतलब धारा के विपरीत बतानी है। तो देख लीजिए क्या, एक घंटे में 4 किमी धारा के प्रतिकूल, बच्चे जब धारा के प्रतिकूल जाएगी 4 किमी, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, तो आप कहेंगे बी माइनस डब्लू प्लस, दूसरा समय कितना लिया है धारा की दिशा में 4 किमी, ठीक है, तथा 4 किमी धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे भैया बी प्लस डब्लू होगा, और बराबर टाइम कितना ले रही है, आप कहेंगे भैया ये समय ले रही है एक घंटा, कितना एक घंटा। दूसरी कंडीशन को बच्चे हम यहां से देखेंगे तो 5 किमी धारा के अनुकूल, मतलब 5 किमी अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो यहां रखेंगे क्योंकि बी प्लस डब्लू मैंने इधर रख रखा है बच्चे, इस वजह से मैंने यहां रख दिया प्लस। दूसरी में क्या है, 3 किमी धारा के प्रतिकूल, मतलब 3 किमी जा रही है धारा के प्रतिकूल, बी माइनस डब्लू जा रही है, और यहां से कितना समय ले रही है 55 मिनट, तो बच्चे 55 मिनट को जब हम घंटे बनाएंगे 60 से भाग कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कहते हैं उल्टा, मतलब क्या विपरीत, तो आप कहेंगे बी माइनस डब्लू का मान बता देना, कितने का, बी माइनस डब्लू का मान जो है यहां से हम लोगों को बता देना, तब क्या करेंगे, इसको बराबर करने की कोशिश करो, तो देखो इसको 5 से गुणा कर दो, फिर इसको भी 5 से गुणा करनी है, फिर इसको भी 5 से गुणा करनी है, ठीक है, इसको 4 से गुणा कर दो, फिर इसको भी 4 से गुणा कर दो, और फिर इसको भी 4 से गुणा कर दो, ठीक। 5 से काटा इसको कितनी बार, 11 बार, 5 से काट दिया इसको कितनी बार, 12 बार, 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना बचा, 11/3 बचा। अब मैं कह दूं घटाने पर ठीक है, तो मेरे भाई ये जो होगा पूरा पोर्शन कट जाएगा। अब यहां से देखेंगे ये कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और ये कितना हो गया, आप कहेंगे 4 3 12 हो गया, कितना 4 3 12, ठीक 12। अब 20 में से 12 घटाए तो बच्चा कितना, आप कहेंगे 8, और यहां से कौन बचा आपके बटे में, बी माइनस डब्लू बचा, कौन, बी माइनस डब्लू बराबर। अब यहां से घटाएंगे 5 में से 11/3 घटाना है, कितना 5 में से घटाना है, कितना आप कहेंगे भैया 11/3 घटाना, तो 3 5 15, 15 में से 11 गए तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 4 बचा, और 4/3 आ गया, 4 से इसको काट दिया, 4 2 8, आप कहेंगे b माइनस डब्ल्यू का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया b माइनस डब्ल्यू का मान आ चुका है 3 2 6, कितना आ चुका है, 3 2 6 आ चुका है किलोमीटर प्रति घंटा, आप कहेंगे 6 किस ऑप्शन में है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई वो बिल्कुल सही है मेरे शेर, क्योंकि ऐसा ही सवाल अभी हम लोगों ने पीछे भी किया था, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर जो है आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर 6 आ चुका है। चलिए अब बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल क्या है, कि एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है तथा धारा की दिशा में अगले 5 मिनट के तैरने के बाद बिंदु बी पर पहुंच जाता है, यदि ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, ये कोई ए था और ये बिंदु कहाँ था, ये बी था, और इनके बीच की दूरी कितनी मेरे भाई, 100 मीटर की, कितनी 100 मीटर की, ये धारा किधर बह रही है हमारी, इधर बह रही है, ठीक है ध्यान रखना। अब ये धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा गया यहां तक, कोई बिंदु था मैंने मान लिया बिंदु क्या था, पी था, यहां तक गया, और यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली एक्स मीटर थी, कितनी थी एक्स मीटर, तो देखो यहां ये गया, धारा इधर चल रही थी और ये किधर जा रहा था, विपरीत जा रहा था, किधर जा रहा था विपरीत, तो यहां से इसने इतनी दूरी चलने में कितने मिनट ले लिए, 5 मिनट, फिर ये यहां के बाद धारा भी इधर चल रही है और ये भी इधर भागा और इसने ये वाली पूरी कंट्रोल मतलब सारी की सारी दूरी यहां तक ये 5 मिनट में तय कर ली, कितने में तय कर ली, आप कहेंगे भैया 5 मिनट में तय कर ली, और ये दूरी कितनी होगी बच्चे, 100 ये वाली हो गई, x ये वाली होगी, तो आप कहेंगे ये दूरी भैया हो चुकी है 100 + x या x + 100 मीटर, ठीक है ये दूरी हो चुकी है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब मेरे भाई मैं आपसे कहूं कि 5 मिनट में, मैं कह रहा हूं समय बराबर 5 मिनट में, मैं इस वाली दूरी को निकाल लिया हूं जो ये शुरू वाली थी 5 मिनट में, तो बच्चे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितना चला गया x चला, और बटे चाल क्या थी विपरीत था ना विपरीत, तो क्या आप कहेंगे b माइनस डब्ल्यू चला, कितना चला b माइनस डब्ल्यू चला।
ठीक है, यहां से मैं x का मान निकालूं, इस x का मान तो x बराबर क्या होगा, आप कहेंगे तिरछी गुणा लगा लेगा, तो आप कहेंगे भैया 5b माइनस 5w होगा x का मान, माइनस क्या 5w होगा x का मान। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ चुका है। इस बात को आप लोग ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक बॉक्स में बंद कर लिया। अब देखो मेरे भाई आगे हम लोगों से क्या बोला, अब मैं इसके बारे में बात करूं तो ये भी 5 मिनट की बात हुई थी, ये भी कितने की हुई थी 5 मिनट की, और 5 मिनट में ये कितना चला गया था, आप कहेंगे भैया दूरी बटे आप कहेंगे चाल, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहां से चाल क्या होगी, आप कहेंगे b प्लस w होगी, कितनी होगी b प्लस w होगी। अब मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए x का मान हमारे पास है, मैं कहूं x का मान यहां रख दो, ठीक है, तो मैं यहां तो 5 मिनट ही रखूंगा, बराबर यहां x का मान ये रख दिया मैंने, कितना है ये, आप कहेंगे भैया 5b है, कितना है 5b, माइनस कितना है, आप कहेंगे 5w है, ठीक है, और प्लस कितना है 100, प्लस कितना है 100, और ये वाली चीज जो इधर इधर तिरछी गुणा लगा बैठा, क्या लगा बैठा, तिरछी गुणा लगा बैठा, तो इधर क्या हो जाएगा ये, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 5b, कितना हो जाएगा ये 5b, और प्लस कितना 5w हो जाएगा, कितना 5w हो जाएगा। अब देखो ये 5b, अगर 5b की बात करूं, ये 5b प्लस के, ये 5b प्लस के, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि इधर आके माइनस के, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 और 5 कितना, आप कहेंगे 10w, कितना 10w बराबर कितना हो चुका है, आप कहेंगे 100 हो चुका है, और w बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 10 से 10 कट गया, 10 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, ये w की चाल आ चुकी है, धारा की चाल, और धारा की ही चाल पूछी मगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। अब धारा की चाल हमारी की आ चुकी है, w बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 10 मीटर प्रति मिनट, इसको क्या बनाएंगे हम लोग, किलोमीटर में बनाएंगे, तो किलोमीटर बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है 3/50 से इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे इससे हम लोग इसको भाग कर देंगे, ठीक है, कितना आ चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है 10 मीटर प्रति मिनट सॉरी, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है बिल्कुल, ठीक है, ठीक, चलिए ये देखो क्या है, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, जब इसको मैं करूंगा, ठीक है, भाग न जाती का जीरो, पॉइंट लगाया और यहां जीरो बढ़ाया 30 और 5×6=30, तो आप कहेंगे कितना आ चुका है 0.6 आ चुका है, कितना 0.6 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 0.6। तो बच्चे ये पूरा सवाल था, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करते हुए चलें सभी बच्चे। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल है कि एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर आने में आधा समय लगता है। बच्चे आधा समय धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा इधर तो नौका इधर, ठीक है, अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो आधा समय लगता है। अगर मैं टाइम की बात करूं, यहां 2 लग रहे थे तो यहां कितना लगेगा बच्चे, आधा मतलब 1 लगेगा, ठीक है, 2 का आधा 1। स्थिर जल में नौका की गति और धारा की गतियों का अंतर बताना है। अब मैं अगर आपसे यहां स्पीडों का रेशियो पूछ लूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो मेरे भाई ये क्या है, आप कहेंगे ये तो भैया बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो आया है, ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू का रेशियो कितना आया 1, और बी प्लस डब्ल्यू का रेशियो अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे बी प्लस डब्ल्यू का रेशियो भैया कितना आया है 2। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है मेरे शेयर, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी, जब 2 संख्याओं का अंतर और 2 संख्याओं का योग आपके पास हो, तब आपको अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात निकालना है या बड़ी संख्या का मान निकालना, तो दोनों को जोड़ का आधा कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 3, तो 3 का आधा कितना हो गया 3/2 हो गया अनुपात, और दोनों में से छोटी संख्या निकालनी तो दोनों का अंतर करके आधा, तो 2 में से 1 गया तो कितना 1/2। बच्चे इस 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपका, आप कहेंगे भैया 3/1 बचा, और यही आपका आंसर है, कितना बचा 3/1, और यही आपका आंसर है किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, तो इस सवाल का आंसर आपके कहा चुका है कितना 3/1। चलिए अगला सवाल, सॉरी इसके ऑप्शन मतलब छूट गए, चलिए कोई बात ना, कोशिश करूंगा आंसर लाने की। अच्छा सवाल है एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है अंतरिक्ष यान की औसत गति। बच्चे ऐसे सवाल में जब दूरी बराबर ना हो तब औसत गति बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय होगा। औसत गति बराबर ऐसे में क्या होगा, औसत गति मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया औसत गति बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय, क्या होगा कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय, ठीक है मेरे भाई कुल समय, बस यहां से आप लोग इसको रख दीजिए। तो कुल दूरी कितनी हो गई अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है,
चार और पांच कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया नौ हो चुका है, ठीक। फिर कौन बचा, दो, दो और दो कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया चार हो चुका है, ठीक। फिर क्या बचा, आठ, आठ छह चौदह, के का चार, फिर हाथ लगा एक, छह एक सात, ये हो चुकी है कुल दूरी बटे कुल समय कितना। आप कहेंगे दो घंटा बीस मिनट या चालीस मिनट, ये तो चालीस मिनट में वो बीस मिनट जोड़ेंगे पूरा एक घंटा हो गया, तो दो और एक कितना, आप कहेंगे भैया तीन घंटा, कितना तीन घंटा, तीन से आप लोग इसको काट दीजिए। जब आप इसको तीन से काटोगे तो तीन दूनी छह, बचा कितना एक हो गया, कितना चौदह, तीन चौक बारह, बचा कितना दो, तीन अट्ठे चौबीस और तीन तीन नो। मेरे भाई क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया ये आ चुका है इसका औसत गति, क्या आ चुकी है इसकी औसत गति, आप कहेंगे 2483 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति आ चुकी है, जो हमारा 50 नंबर का सवाल है। इस सवाल की आंसर क्या आ चुका है, 2483। जी हां, देख लो बच्चे, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, मैंने अभी देखा है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, ठीक है। जब आपके पास किताब होगी, ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये ऑप्शन नंबर ए ही है, यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, अगला सवाल है, और सवाल देखो सारे आए हुए सवाल आने लगे हैं अब, ठीक है, आए हुए जो पिछली परीक्षाओं में सवाल आए हैं। सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा के बजाय 12 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है, देखो सामान्य उसकी क्या है, 8 किमी प्रति घंटा है, लेकिन अब वर्तमान में, ठीक है, अब वर्तमान में कितनी चल रहा, 8 की जगह कितने से चल रहा, 12 से चल रहा, ठीक है, गति से चलता है, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा, ठीक। चलो, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी, मेरे भाई मेरी बात सुनो, यहां से समय जब बराबर हो, तो मैंने कह दी ये भी एक घंटा, ये भी एक घंटा, एक एक घंटा मान लिया तो यही रह जाएगा, तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, आप कहेंगे चार, कितनी चार, और चार की जगह, चार की जगह एक्स्ट्रा कितनी चल रहा है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया चौवन, कितनी चल रहा है, चौवन, कितने गुना, ये चार इसके बट्टे में लगा दो, ये चार इसके बट्टे में, इतने गुना। तो उसने पूछी क्या है, उसके द्वारा वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी मतलब, सॉरी, मतलब जो सामान्य कह दो या वास्तविक, ये थी, तो क्या कर दो, आठ का भी क्या कर दो, आप कहेंगे चौवन बटा चार कर दो, चौवन बटा चार कर दो, चार से काटा इसको कितनी बार, दो बार, और चौवन दूनी 108, चौवन दूनी कितना 108, तो आप कहेंगे कितनी थी वास्तविक चली गई दूरी, 108 किलोमीटर थी, कितनी थी 108 किलोमीटर थी, और 108 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर मतलब डी है, बिल्कुल सही है। उसके द्वारा वास्तविक चली गई दूरी कितनी थी, आप कहेंगे भैया 108 किलोमीटर थी उसके द्वारा वास्तविक चली गई दूरी। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, अगला सवाल है, ये भी आपका फायरमैन 2020 में आया हुआ सवाल है, कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी एक सड़क को पार करता है, उसकी दूरी बतानी है, सॉरी चाल, तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी थी, आप कहेंगे 455, और बटे कितना, समय कितना था 35 मिनट। तो मेरे भाई ये इसकी जो चाल आई है, चाल किस में आई है, मीटर प्रति मिनट में आई है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो आप कहेंगे इसको भैया 3/50 से गुणा करनी पड़ेगी, 3/50 से, ठीक है, कर लीजिए गुणा, पांच से इसको काटा, पांच से काटा इसको कितनी बार, 10 बार, और पांच से इसको काटा, 5 9 45 और 5 5, ठीक है, 5 9 45, ठीक, फिर क्या, हाँ 5 5, अब इसको किससे काटा हमने, 7 से काटा, 7 5 35, ठीक है, इसको 7 से काटा, 13 7 91, कितना, 7 से काटा, 7 5 7, 13 7 91, तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 13 3 39, कितना हो चुका है ये 39, और बटे में कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 50 हो चुका है, कितना 50 हो चुका है। जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो मैं यहां कर रहा हूं, तो भाग न जाती का 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, कितना 0, ठीक। अब आप देखेंगे तो 5 7 35 लगभग 7 बार गई, और कहां तक गई, आप कहेंगे 350 तक, बचा कितना 40, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, हो गया 400, ठीक है, तो आप कहेंगे 50 8 200, तो यहां से कितना आ चुका है 0.78, कितना आ चुका है 0.78, 0.78 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है, 0.78, कितना 0.78। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है सवाल है, कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार कर सकती है, और यह 196 मीटर लंबे पुल को 43.3 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति, मेरी बात सुनो, ट्रेन ने जब मतलब व्यक्ति को पार करा तो सिर्फ अपनी ही दूरी चली, कितनी अपनी ही दूरी, ठीक है, और जब उसने एक कितने लंबे पुल को भी पार किया, ठीक है, तो अपनी दूरी प्लस उसकी दूरी चली। अब देखो यहां से एक्स्ट्रा समय तो लिया होगा बच्चे, एक्स्ट्रा समय जरूर लिया, अब देखो उसने अपनी दूरी चलने में तो कितने मिनट लिए, कितने समय लिया, आप कहेंगे 15.3 सेकंड, और अपनी प्लस 196, यही तो एक्स्ट्रा चली है 196, इसे चलने में टोटल कितना समय लिया है, आप कहेंगे 43.3, तो इसमें से अगर मैं 15.3 घटा दूं तो 196 मीटर का पता चल जाएगा। तो देखो यो जो डिस्टेंस चली है ना उसने, 196 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है, 196 मीटर की, वो कितने समय में चली है मेरे भाई, तो 43 में से आप देखो 0.3 से आपका 0.3 कट गया, इसे घटा दो, और जब 15 घटाएंगे तो 15 25 40, ये कितना बचा आपका 28 बचा, कितना बचा 28, कितना बचा
था यहाँ से 28 सेकंड, इसको कितने में चला आप कहेंगे 28 सेकंड में, बस स्पीड निकाल दो। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, कितना 28, ठीक है। अब 8 के पहाड़े में कहीं 6 आएगा, 8 × 16, चलो अभी और काट के देख लो, मतलब काट लो इसे, किससे काटोगे आप कहेंगे भैया ये कट रहा है हमारा 4 से कटेगा शायद, 4 × 16 बचा कितना, 4 × 16 बचा 3, 4 × 9, 36, 4 से काटा 4 × 7, 28, 7 से काट दिया 7 × 7, 49, तो आप कहेंगे 7 आ चुका है, कितना 7 मीटर प्रति सेकंड, कितना 7 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर है 7 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। मेरे शेर क्या है यहाँ से कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो बच्चे डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी बराबर क्या होगा, आप कहेंगे चाल गुणा समय, चाल कितनी है 250 और गुणा समय कितना, आप कहेंगे 4 घंटे, तो 25 × 100 आप कहेंगे 1000 किलोमीटर, कितना 1000 किलोमीटर क्या आ चुका है आपका डिस्टेंस आ चुका है। आगे है 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, अब देखो क्या है समय दे दिया, नया समय क्या दे दिया 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट के भी घंटे बनाएंगे तो 40/60 आप कहेंगे, इसको काटा 20 × 40, 20 × 60 और यहां से 1 से जोड़ा, 3 × 3, 3 × 2, 5/3, 3 × 2, 5/3 घंटे, कितने आप कहेंगे 5/3 घंटे टोटल ये। तो मेरे भाई क्या है स्पीड बराबर, स्पीड 2 का मान निकालना, स्पीड बराबर क्या कुल दूरी कितनी 1000 बटे किससे, आप कहेंगे 5 और बटे का बटा ऊपर गुणा में, तो 5 से काटा 5 × 10 200 और 200 को 3 से गुणा करा तो 200 तिया कितना हो चुका है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ चुका है 600 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे देखो ये सवाल भी आपका आसानी था और बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ आ भी चुका होगा, मैं ऐसी आशा आप लोगों से कर सकता हूँ। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ से क्या कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है और वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है, तो उसकी घंटों में कितने मिनट रुकती है। तो बच्चे मैंने कल भी बताया था, क्या बताया था कि बिना रुके चाल बटे में क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया बिना रुके चाल, क्या कहेंगे बिना रुके चाल और गुणा कितना आप कहेंगे 60, ही आ जाएंगे आपके मिनट, बस लगा दीजिए। आप कहेंगे बिना रुके कितनी थी, आप कहेंगे भैया 45 थी, कितनी 45 माइनस रुक रुक का कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 36 हो गई, बटे में बिना रुके कितनी थी आप कहेंगे 45 थी और इनटू कितना मेरे भाई आप कहेंगे भैया 60, इनटू कितना आप कहेंगे 60। चलिए जब इसको आप लोग करेंगे तो इसमें से एक हटाया आप कहेंगे 9 और 9 बटे कितना आप कहेंगे 45 और गुणा कितना मेरे भाई आप कहेंगे 60, ठीक है। 9 से काटा 9 × 5 = 45 और 5 से इसको काट दिया कितनी बार 12 बार, 5 से इसको काट दिया कितनी बार 12 बार, तो 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकी आप कहेंगे भैया 1 घंटे में 12 मिनट रुकी, 1 घंटे में कितने मिनट रुकी आप कहेंगे भैया 1 घंटे में 12 मिनट रुकी। चलिए अगले सवाल के पास चल, अगला सवाल देखो क्या है कि यात्रा पर गए एक आदमी पहले 120 किमी 60 की दर से, देखो पहला जो चला है ना मान लीजिए ए जो चला है तो 120 चला 60 की दर से, 120 चला है 60 की दर से, तो यहां से कितना समय ले लिया उसने 60 × 120, कितना 2 घंटे का यहां से समय ले लिया। अब जो दूरी मतलब चाल बी थी उसकी क्या थी, चाल बी थी, चाल बी को क्या था उसने बोला है अगला 120 जो है 80 की गति से, अगला जो 120 है वो 80 की गति से, तो यहां से अगला जो 120 था वो किसकी गति से चला है, वो 80 की गति से, यहां से कितने घंटे का समय ले लिया आप कहेंगे, इसको काटा तो 4 से इसको काटा 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, इतने घंटे का समय ले लिया। उसने पूछा है ऐसे में औसत गति उसकी पूछी है, तो ऐसी कंडीशन में औसत गति क्या होती है आप कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय होती है, तो कुल दूरी बटे कुल समय एवरेज मतलब एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितनी 120 कितनी हो चुकी है 240 बटे कुल समय कितना, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 × 4 = 7 × 2 = 4 × 3 = 7 कितना 7 और बटे का 2 कहां पहुंच चुका है ऊपर गुणा में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ऐसी तो जोड़ोगे 2 + 3/2, ठीक है, तो 2 × 4 = 7/2, ठीक ये कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, कभी आप सोचो कहां से लिया है भैया, ठीक है। अब ये 7 से कट रहा नहीं कट रहा है, ठीक है, 24 × 2 कितना हो चुका है मेरे भाई आप कहेंगे भैया 48 × 480/7 आ चुका है, अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 से इसको काटेंगे तो 7 आप कहेंगे 7 × 42 कितना 7 × 42 बचा कितना 6 हो गया 60, 7 × 8 = 56 कितना 56 पॉइंट लगाया 4 हो गया 40
ठीक है, 7 × 5 = 35, बचा कितना यहाँ से 5 और 7 × 7 = 49, लगभग कितना आप कहेंगे भैया, लगभग कितना 68.57। किस ऑप्शन में है 68.57 आपका, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, और ये 27 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ सवाल है। तो देख लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है, मतलब कारें क्या ले ली मैंने, एक को मैंने ए मान लिया, एक को रेशियो बी मान लिया, इनकी गतियों का अनुपात किया है, आप कहेंगे भैया 10:11 है। अब मेरी बात सुनिए आगे, आगे क्या दे रखा है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति बतानी है। मैं कहूं कि ए की स्पीड अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया ए की स्पीड होगी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कितना 10 घंटे, आप यहां से जीरो कट गया, आप कहेंगे कि भैया ये आ चुकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी आ चुकी है पहली की, ए की। तो भाई ए की कितनी है 10 की जगह कितना आया ए के पास 50, कितने गुना, आप कहेंगे 5 गुना, तो इसका भी 11 का भी क्या कर दीजिए आप 5 गुना, तो आप कहेंगे 11×55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कहेंगे जो बी है उसकी स्पीड कितनी आ चुकी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे भाई, आज मैं आपके सामने लेकर के यही क्वेश्चन उपस्थित हुआ था जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।